इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, इसको करते हैं। जैसे आपको ना इक्वेशन गिवन होगी किसी बॉडी की कि कोई बॉडी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली करता है 3 sin ωt, देगा वो आपको। क्वेश्चन आएगा फाइंड एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वाई को अगर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है वाई की, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1। इसको 1 पुट कर दें तो वाई क्या आएगा, मैक्स 3। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या रहेगी, 3। ये आंसर है। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा टी को, फेज, इसका फेज है। तो अगर पेपर में इस टाइप की क्वेश्चन आएगी तो साइन का जो भी कोफिशियंट होगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। जैसे अगर पेपर में आ गया y इक्वल टू 5 cos ωt, अब cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 5, और यही क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, एम्पलीट्यूड है साइन या कॉस का कोफिशियंट ही एम्पलीट्यूड है, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन वो एक ट्रिक खेलेगा, वो क्या कहेगा, y इज इक्वल टू 3 sin ωt प्लस पाई बाई 6, कहेगा एम्पलीट्यूड निकालो। देखो एंगल जो मर्जी हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, साइन थीटा की ये थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्स क्या हो सकती है, 1। तो एम्पलीट्यूड फिर से क्या आएगा इसमें, 3 ही आएगा। तो साइन या कॉस के अंदर क्या एंगल है वो मैटर नहीं करता, उसका जो कोफिशियंट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसमें, 3। ये पूरे का पूरा एंगल क्या होगा, फेस, और पाई बाय 6 क्या होगा, इनिशियल फेस। तो पूछेगा फाइंड इनिशियल फेस, तो ओमेगा टी के बाद का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेस। क्या पॉइंट क्लियर है था? लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आता है मेंस में, नीट में और एनसीईआरटी में। वो क्या देगा, वाई की ये इक्वेशन देगा जिसमें कॉस ओमेगा टी का कोफिशियंट 3 है, साइन ओमेगा टी का कोफिशियंट 4 है। तो अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा इसमें, क्योंकि मेरे को सिखाया गया था अगर फंक्शन सिर्फ साइन हो उसका कोफिशियंट एम्पलीट्यूड है, अगर अकेला कॉस हो उसका कोफिशियंट एम्पलीट्यूड है, यहां पर साइन भी है और कॉस भी है, तो मैं कंफ्यूज हो गया किसका कोफिशियंट लूं, ठीक, और इन दोनों का समेशन है भाई। तो क्या करना है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। फेज होता क्या है, एंगल, और डिफरेंस का मतलब एंगल का डिफरेंस, फेज डिफरेंस मींस एंगल का डिफरेंस। जैसे किसी ने कहा कि सर मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन पाई बाय 6, मैंने कहा ठीक है एंगल पाई बाय 6 होगा। वो कहते हैं जी एक और इक्वेशन है y डैश, ये मान लो 5 ले लो, 7 साइन ऑफ पाई बाय 3, मैंने कहा ठीक है। वो कहता है इन दोनों में एम्पलीट्यूड 5 और 7 है, मुझे ये बताओ कि इसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा। तो मैं क्या करूं, एंगल के डिफरेंस निकाल दूं, वही फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा इसमें, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा उसका फेज डिफरेंस होगा, बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा, जो भी होगा। तो फेज डिफरेंस समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस का मतलब एंगल का डिफरेंस, कोई डाउट इसमें। लेकिन मान लो एक मिनट के लिए आपको क्वेश्चन किसी ने यह दे दिया, वाई इज इक्वल टू 5 sin ωt / 6 और वाई डैश 7 cos ωt / 6, ये लो ये दे दिया। अब इसका फेज क्या है, पाई बाय 6, इसका फेज क्या है, पाई बाय 6, फेज डिफरेंस क्या है, एंगल का डिफरेंस क्या है, 0। आपका मन करेगा 0 करने का, मत करना। डिफरेंस ऑफ एंगल तब तक नहीं लेना जब तक दोनों के दोनों या तो साइन में ना हो या दोनों के दोनों कॉस में ना हो। अगर दोनों दोनों साइन है हाँ फिर एंगल को माइनस कर सकते हैं, दोनों कॉस है हाँ एंगल को माइनस कर सकते हैं, पर अगर एक साइन है एक कॉस है इनके एंगल को माइनस ना करना। तो मैथ लगाना, मैथ में ऐसा करना, इसको कन्वर्ट कर लेना ऐसे, ये लो ऐसे कर लो, क्योंकि साइन ऑफ 90 - θ क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब देखो ये भी हो गया साइन, ये भी हो गया साइन, अब इसके एंगल में से इसके एंगल को माइनस कर सकते हैं, अब आंसर आएगा। यानी कि पूरे प्रोसेस में अगर एक साइन है एक कॉस है तो एक एक्स्ट्रा एंगल आएगा बीच में, वो क्या है, 90 से कन्वर्जन होती है साइन कॉस में कॉस साइन में, तो 90 का फर्क पड़ेगा साइन कॉस में कॉस साइन में। समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर मैं एक लाइन में पूछूं, हाँ अब आप कहोगे फेज डिफरेंस निकालना है, आप निकाल सकते हो, तो इसमें से इसे या इसमें से इसे माइनस करना आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉस होने चाहिए,
और साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री, याद रखना। ये साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए एंगल का डिफरेंस कितना चाहिए, 90, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लो ये क्वेश्चन का मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब एम्पलीट्यूड होता क्या है बताओ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। तो एक वेक्टर 3 है और दूसरा वेक्टर एम्पलीट्यूड क्या है, 4 है, और साइन और कॉस में फेज का डिफरेंस क्या होता है, 90। तो लगाओ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपने मन में, अगर दो एम्पलीट्यूड्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, एक का 4 है, तो नेट वेक्टर क्या आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, जो कि पता याद करवा दिया मैंने, जो कि कितने है, 90। तो 90 पुट करोगे तो 0 हो गया, तो आंसर पाइथागोरस 5 आ गया। तो आज के बाद एक शॉर्टकट है, लिखना है लिख लो शॉर्टकट फॉर्मूला बुकलेट में। अगर ऐसी इक्वेशन गिवन होगी और आपसे एम्पलीट्यूड पूछ ले, तो आप शॉर्टकट ये लिखें कि अगर एक कॉस ऑफ एंगल है, साइन ऑफ सेम एंगल है, तो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट क्या होगा, कॉस के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशेंट का स्क्वायर आंसर, बस कुछ करना ही नहीं, कॉस के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशेंट का स्क्वायर, क्योंकि वो तो पता ही है कि 90 डिग्री से कट ही जाएगा, ये आंसर होगा। देखते ही आंसर आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स आ गया, मेडिकल में तो नहीं आएगा क्योंकि उनको तो ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं, उसके आगे कन्वर्ट करना, नॉन मेडिकल वालों को क्या पता कुछ साइन और कॉस में कुछ एंगल भी चेंज करे, तो आपको उस तरीके से दे दे अलग बात है, वैसे आता नहीं है, आ गया तो हम कर लेंगे, प्रैक्टिस मिल ही जाएगा आपको, रूल मैंने बता दिया आपको। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, इस बार ओमेगा टी और ओमेगा टी -π/6 है। अब कहते हैं एम्पलीट्यूड निकालो, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, एंगल का डिफरेंस, क्योंकि दोनों कॉस कॉस हैं, तो मैं इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर सकता हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, π/6, अब आंसर आएगा। जैसे मान लो मैथ्स वालों को आ गया तो ऐसा आ सकता है, तो एटलीस्ट आप माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि रूल के एम्पलीट्यूड कैसे निकलेंगे इसमें।